सो नेडियन इमिग्रेशन में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं कुछ नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आ रहे हैं कुछ पुराने बंद किए जा रहे हैं तो कनाडा इमिग्रेट करना डिफिकल्ट हो रहा है या इजी होने वाला है ये बात करेंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंट साहिल सयाल से जो इस प्रोफेशन में है और हमें एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड सो इस बारे में आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर लिख के बताना साहिल और आई विल बी एबल टू आंसर दोस्त सो एंजॉय द एन्जॉय कास्ट सो आई हैव साहिल सयाल विद मी हु इमीग्रेशन कंसल्टेंट सक्सेसफुल इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कैनेडा बहुत लोगों को इन्होंने कैनेडा बुलाया है एज इन पहुँचाया है नॉट बुलाया है सो mm -hmm. uh, so, क्या इमीग्रेशन का स्टेटस है अभी कैनेडा में कैसे चेंजेस हुए हैं आगे फ्यूचर क्या इमिग्रेशन का वो पता करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कैंडिड कास्ट थैंक यू थैंक यू अरमी थैंक्स फॉर ए टाइम थोड़ा आप बैकग्राउंड दीजिए आप कैनेडा कब मूव हुए थे mm -hmm.

ट uh, you know, का में आप जॉब करते थे मैं मार्केटिंग एंड टेक इंटीग्रेशन एंड सो मेनली मार्केटिंग सो कंपनीज लाइक जोमेटो कार्स ट्वेंटी फोर एस बी आई इन सब के साथ में काम करता था डेली में हाँ डेली में नहीं सो mm -hmm. so, uh, कुछ टाइम मैंने डेली में किया mm -hmm. कुछ टाइम मैंने बैंगलोर uh, में भी किया विद एच पी आई वॉज इन बैंगलोर देन एस बी आई के साथ आई वॉज इन मुंबई सो या ऑल ओवर द प्लेस फिर कैसे प्लान बना कि आप कनाडा आके इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनोगे क्योंकि एक जो सैलरी uh, <laughs> लेने वाला और जॉब वाला बंदा होता <laughs> है ना वो बहुत डिफिकल्टी uh, से सोचता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा करेक्ट तो कैसे सोचा सो so, um, पहले तो कनाडा मतलब मैंने बहुत लोगों से जब मेरी बात हुई बहुत लोगों को वैसे मालूम नहीं है मैंने अपने चैनल पर डाला बट जिन्होंने भी उसको सुना कि कनाडा आना वाज नेवर माय ऑन माय चार्ट्स इनफैक्ट कनाडा तो छोड़ो आई वॉज इवन अवेयर ऑफ द वर्ड इमिग्रेशन अपल ट्वेंटी एटीन सो हुआ क्या कि आई रिमेंबर मैं पंजाब में जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी की बात होगी उस टाइम पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो इमिग्रेशन फॉर्म में काम करता था आपको पता चंडीगढ़ में इमिग्रेशन कितना ज़्यादा वाइड है ना तो तब मतलब आई वॉज सो अनअवेयर ऑफ द टॉपिक मैंने mm -hmm. कहा इमिग्रेशन में कौन काम कर सकता है मतलब वहाँ mm -hmm. पे कौन जाता है एंड दैट्स गॉन लाइक 2013 फास्ट फॉर 2018 कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं इंडिया छोड़ूंगा बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिसेंटली गुड फैमिली मतलब गुड अर्निंग्स uh, तो हम लोगों ने पूरी फैमिली इनफैक्ट मेरे दिल्ली में पंजाब में भी कोई भी बाहर नहीं गया तो हमारे फैमिली में कभी सुना ही नहीं था mm -hmm. बाहर जाना एंड ऑल एंड डिस्पाइट मी स्टार्टिंग इन पंजाब सो कभी ध्यान नहीं दिया yeah. तो हुआ क्या कि ट्वेंटी सिक्सटीन में शादी हुई देन ट्वेंटी ट्वेंटी एक साल बाद डेढ़ साल बाद मेरा बेबी हुआ एंड देन वी मूव टू मुंबई फॉर मई न्यू असाइनमेंट वहाँ पर जाके जब कैनाडा की हाइप शुरू हुई है ना hmm. उससे कुछ टाइम पहले मेरा दुबई में फर्स्ट टाइम एवर उस टाइम पर दुबई भी बड़ा फेमस होने लगा hmm. था तो दुबई में फर्स्ट टाइम एवर मेरा एक इंटरव्यू हुआ

कहते हैं, अच्छा अगर एक काम करो एक एक बारी दे के देखो ओके मैंने कहा चलो एक काम करते हैं मैंने प्लान बनाया रिमेंबर न्यू ईयर मैं शिरडी में था बाबा के पास तो न्यू ईयर ऑफ 2017 आ, मैं बैठा मैंने कहा चलो प्लान बनाया मैंने कहा चलो एक काम करूँगा एक एक बारी हर चीज़ करूँगा वैस एक बारी कराऊँगा से एक बारी दूंगा और फाइल भी एक बारी लगाऊँगा इस में अगर एक एक बारी में हुआ दैट मीन्स मेरी किस्मत में लिखा है हुँ. अगर मुझे कुछ भी जरूरत पड़ी ना मतलब उसको रिपीट करने की तो मतलब नहीं मैं उसको वहीं पर मतलब इट्स नॉट अ नेसेसिटी फॉर इट्स जस्ट एन ऑप्शन चलो ये हो गया फाइनल फिर कुछ दिनों के बाद वन ऑफ माई कजन वो भी आए यहाँ पे मूव हुआ पंजाब से कहता है यार तू अकेले क्यों कर रहा है वाई डोंट यू गेट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट मैंने कहा यार इमिग्रेशन कंसल्टेंट क्या करेगा इसमें मतलब फाइल ही तो लगनी है क्या करना पोर्टल में तो अपलोड करनी होगी कहता नहीं नहीं वो लोगों को ना बड़े अच्छे अंदर के तरीके मालूम होते हैं वो होते हैं मैंने कहा अच्छा चलो मैंने बात करी तो बात करने पे उसने ना मुझे एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स बोले कहता इतने पैसे लगेंगे और तब मैं एस में ना जॉब कर रहा था ना तो एस में पैसे आप आपके पास लिमिटेड होते हैं इट्स अ वेरी गुड जॉब बट वैसे लिमिटेड होते हैं मैंने यार आई कॉन्ट अफोर्ड दिस मैं नहीं कर सकता मैं सेल्फ अप्लाई करूँ हैंस द डिसीजन के सब कुछ एक एक बारी करूँ है ना बट क्योंकि ऑन्टरप्रनरशिप का कीड़ा तो था शुरू से है ना कि कुछ ना कुछ करना है मैंने कहा यार ऐसी क्या चीज़ है जो ये बंदा Hmm. मेरे से चार्ज कर रहा है एंड एंड दिस फिर धीरे धीरे मैंने ऑनलाइन मीडिया मतलब गोइंग टू कैनेडा फॉर मी इट वॉज जस्ट एन ऑप्शन बट पीपल आर गोइंग क्रेजी है तो बहुत ज्यादा है तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा और मैं डीप गया इसके अंदर पढ़ते hmm. पढ़ते रियलाइज हुआ कि उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट की जो लेवल ऑफ सर्विसेज थी प्लस जो और भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो बहुत थोड़ी सी थी hmm. तो बैक इन 2017 मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया hmm. मैंने कहा हेयर इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ आज 2017 मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ hmm. अगर मेरी पी आती है सिर्फ तभी जाऊँगा आई विल नॉट गो ऑन आ स्टडी वीजा आई विल नॉट गो ऑन एनी इतना पक्का है दूसरा आई नो मैंने तीन साल बाद जाके इसी आदमी की जॉब करनी है जिसने मेरे से इतने पैसे मांगे Hmm. क्योंकि वो इतनी गंदी सर्विस दे के hmm. मेरे से इतने ज्यादा पैसे मांग रहा है इमेजिन आई ब्रिंग माई डेकेड ऑफ कॉपरेट का एक्सपीरियंस वी नो हाउ टू रिस्पेक्ट डेडलाइंस हमें मालूम है कैसे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फंक्शन करते हैं हमें मालूम है सोशल मीडिया कैसे चलता है वाई डोंट आई लीवरेज दैट टू स्टार्ट अप एंड देन आई एम अ एवर्स पर्सन तो मैंने कहा मेरे को ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो मेरे को पैसा खाए एंड दिस इज अ गुड बिजनेस आई मी एंड माई लैपटॉप आई एम गुड इनफ फॉर मिलियन डॉक्टर कहने का यही धंधा है मेरे लिए जाऊंगा पहुंचा तो आज का जो मेरा youtube का सीड है मुझे तब पैसा देगा अनटच्ड ये वी आर टुडे या इट ऑल वर्कड आउट एंड दिस इज एंड दिस हैज बीन माय बैकग्राउंड तो यहाँ पे आके अभी सब कुछ सही चल रहा है आपने ईगो सैटिस्फाई होगी कि देखो हाँ। दुबई की जॉब नहीं मिली कनाडा हाँ, आ गए आई एम बेटर देन दैट पे आके ब्रेक हुई हां क्या लगा फिर ईगो तो बहुत अच्छे से ब्रेक होती है <laughs> यहाँ पे बट मेरी आई वुड से कि मेरी कॉर्पोरेट लेवल पे इतनी ब्रेक हाँ कॉर्परेट लेवल पे भी हुई वैसे कह सकते हो क्योंकि जो मेरी फर्स्ट फ्यू जॉब्स थी वो रिटेल uh, में थी ओके okay. तो और अपेरेंटली मेरी जो फर्स्ट जॉब थी सेकेंड जॉब भी थी मैं उनमें कर ही नहीं पाया आई कोंट परफॉर्म क्योंकि लाइक अ सेट हम लोग नाइन टू फाइव ऑफिस में बैठ के ढंग के मीटिंग्स करने वाले लोग अब मैं अब मैं एक रिटेल स्टोर में जाके आई वॉज वर्किंग विद आशले एंड देन आई वॉज वर्किंग विद द ब्रिक ऑल्सो मैं फर्नीचर बिकता नहीं था मुझसे मतलब मैं कैसे बेच लिया था ना मज़ा नहीं आता तो होगा मन नहीं आ, करता होगा ना मतलब मैं बैठा हूँ वहाँ पे कॉर्नर पे सूट पहन के और आ, मैं सब मतलब मैंने कहा मैं कैसे बेचूँ फिर मेरी मैनेजर मुझे देखते कहते यार तेरे रेज्यूमे पे तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम <laughs> लिखे हैं मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है वहाँ पर काम करने के बाद मेरे से काम ही नहीं हो रहा तुम्हारे यहाँ पे फिर आई रिमेंबर सो ट्वेंटी नाइनटीन फेबररी आया ये काम ना कर पाने की वजह से आ, मैंने इमिजिएटली आती अपनी ड्रीम पूरी को मैंने कहा यार आया हूँ फेबररी में अप्रैल में मैंने इनरोल कर लिया लाइसेंसिंग के कोर्स में तो मेरा स्केड्यूल ऐसे होता था कि मैं सुबह उठता था छः बजे छः बजे से मेरे को पिकरिंग से जाना होता था मार्कम सो विच इज़ गुड यू नो वन आवर ड्राइव वहाँ पर जाके मैं फर्नीचर बेचता था अपनटिल थ्री और फोर मतलब जो भी टाइम होता था हमारा वहाँ से मैं मिसिस आकर जाता था पार्ट टाइम जॉब करने इमिग्रेशन की अच्छा क्योंकि मैं स्टिल कॉपरेट में था तीन घंटे जॉब करता था फिर वहाँ से मैं आ, डाउन टाउन जाता था ऑल द वे अगेन बैक टू डाउन टाउन क्लासेज लेने और फिर क्लासेज लेके रात को ग्यारह बजे मैं घर पहुँचता था एंड रात को चार बजे तक सुबह मतलब तीन चार बजे तक मैं पढ़ाई करता था अपनी इमिग्रेशन की सो दिस वॉज माई स्केड्यूल फॉर वन ईयर ये करते करते मेरी अब नौकरी में जान मतलब टाइम नहीं लग रहा था मन नहीं लग रहा था तो आई रिमेंबर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी मेरे अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि मैं एक महीने का रेंट दे सकता हूँ तो बैंक खाली अकाउंट खाली एंड uh, क्योंकि जॉब करी नहीं खर्चे बहुत थे बच्चा yeah. भी था छोटा है ना एंड बाय दैट टाइम आइड मूव टू ब्रामटन ऑल्सो तो मैंने कहा यार अब तो एंड माय मॉम वॉज सफरिंग थ्रू कैंसर तो उनका भी ऑपरेशन हो के हटा था सर्जरी होके हटी थी एंड देन मेंटली आई हैड दैट ट्रॉमा तो मैंने कहा यार अकाउंट मैंने देखा रेंट था मेरा साढ़े सोलह सौ सो डॉलर सिक्सटीन फिफ्टी अकाउंट में तीन हजार मतलब आई हैड जस्ट इनफ मनी कि मैं ग्रोसरी कर लूँ मेरी गाड़ी का भी पे नहीं होना था और मैंने इमिग्रेशन का पेपर दे रखा था तो जनवरी में मैंने डैड को बोला मैंने कहा मम्मी का अब मतलब सर्जरी हुई है मेरे को घर आना है बट मेरे पास पैसे टिकट के पैसे नहीं है तो पापा ने बोला कि मतलब मेरे को बता तो सही उन्होंने टिकट करा दी और मैं अराउंड मार्च में इंडिया चला गया पेपर दे के एग्जाम एंड आई वॉज़ वेटिंग फॉर द रिजल्ट पंद्रह दिन के लिए गया मैं इंडिया पहुँचा मैंने मॉम को मिला एंड यू नो वी वर हैप्पी एंड मैंने मॉम को बोला मैंने कहा देखो ऐसा है कि एक साल हो गया कनाडा को दिए हुए मेरे को मेरे मतलब की नौकरी मिलनी थी ठीक है अब मैं फर्नीचर या उबर या वटर मेरे से नहीं हो सकता hmm. मतलब आई एम नॉट मेंट फॉर इट इट है ना लेट्स कॉल अ डे मैं अपनी hmm. छुट्टी हो गई मेरी बात खत्म होगी एक एक चीज में क्वेश्चन पूछूंगा uh, जैसे आप कह रहे हो कि मेरे से नहीं होगी hmm. लेकिन बहुत uh, हमने भी कहीं ना कहीं वीडियो में बोला होगा बहुत लोग बोलते हैं वीडियोस में कि सर्वाइवल जॉब कर लो दिस इज काइंड ऑफ जॉब राइट करेक्ट बट कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी होता है कि कई लोगों से वो नहीं होती है सर्वाइवल जॉब सो इट्स वेरी इजी टू से कि कुछ नहीं होगा अरे यार छे महीने जॉब नहीं मिल रही ना फैक्ट्री में जॉब कर लो टेट में जॉब कर लो आ, हर किसी से नहीं होती जो नहीं होती। एक लेवल से आया है करने के लिए करनी पड़ेगी अगर आप कह रहे हो कि सोलह सो डॉलर पड़े हाँ। तो करनी पड़ेगी बट मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है करनी पड़ती है करनी पड़ती है ठीक है इवेंचुअली कितने मैंने डॉक्टर्स को देखा है आपने भी देखा होगा कि ऊबर चला रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड बेच रहे होते हैं लाइक डॉक्टर्स जो इंडिया से इमिग्रेट कर रहे हैं तो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं बट बड़ बड़ा डिफिकल्ट होता है ये राइट आपको अपनी ईगो आपकी सेल्फ जो थाट है ना बिल्कुल मार देनी होती है अंदर से क्योंकि सी देर आर टू टू काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स एज वी नो एक है जिसको इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है ना से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक छोटे से गांव से हूँ या छोटे से पिंड से हों मुझे मालूम है इंडिया में अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे या तो मैं खेती बाड़ी करूँगा डैड को हेल्प कराऊंगा या फिर एट मैक्स मेरी इन्फी जैसी कंपनी में या कहीं भी छोटी मोटी कंपनी में पंद्रह बीस हज़ार की नौकरी लग जाएगी है ना मे बी से hmm. मैं कहीं का बुक कीपर बन जाऊँगा दैट वर्सेज दिस लाइफ यर आई आई गेस दिस विन्स है ना दिस इज मच बेटर और फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे अगर सर्वाइवल जॉब भी करनी पड़े तो भी सोलह डॉलर पर घंटा या सत्रह अठारह डॉलर पर घंटा इज़ वेरी गुड नाउ ऑन द फ्लिप साइड इंडिया में अब जैसे मैं अच्छी एम बी ए अच्छी बी टेक एंड देन यू नो वेरी गुड करियर पीपल ऑल लुकिंग मैंने बताया मतलब बार बार मेरे मेरे लिए जॉब्स लाइन अप थी लोग मुझे फ़ोन करते थे यार चालीस लाख का पैकेज पचास लाख का पैकेज हुँ। ले ले चालीस का तो मैं छोड़ के आया था है ना अब उसको छोड़ के मैं महीने का डेढ़ लाख यहाँ पे कमाऊँ तो आई आई विल बी स्टूप है ना तो मैं लाइक ए शेट जनवरी में मैंने मॉम को बोला मैंने कहा देखो ऐसा है अगर तो ये एग्ज़ाम पास हुआ तो मैं वापस जा रहा हूँ मतलब वापस तो मैं जा ही रहा हूँ मेरी वाइफ ने पंद्रह दिन बाद आना था अच्छा तो मैंने कहा अगर तो मेरा एग्ज़ाम पास हो गया तो तो किमी आ जाएगी अगर एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया तो मैं ही वापस आ जाऊँगा तो मैंने कहा आप इसको यहीं पर रोक लेना एंड मेरी वाइफ ऑल्सो अग्रीट कहती हम नहीं जाएंगे वापस क्योंकि इट्स टूपिट मतलब वाई वुड आई वेस्ट माई लाइफ है ना आई हैड गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर्चुनेटली पहुँचा एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया एंड आई पास मैंने कहा अब नाउ एंड एट दैट आई हेड अबाउट फोर्टीन थाउजेंड फॉलोअर्स मतलब ओवर द ईयर्स थाउजेंड फॉलोअर्स हो गए थे बस मैंने कहा अब शुरू बट hmm. फिर एक और कहानी शुरू हो गई अकाउंट hmm. में तो फिर भी पंद्रह सौ डॉलर थे चौदह yeah. सौ थे पैसे तो yeah. अभी तक नहीं बढ़े थे घर से मैंने आज तक मंगवाए नहीं पैसे अब hmm. वहाँ से रॉक बॉटम स्ट्रगल शुरू हुई एंड थैंक्स टू यू नो दिचुएशन मतलब लोगों के लिए कोविड बुरा रहा है hmm. मेरे लिए टचवुड कोविड एंड यहाँ की गवर्नमेंट का दिया हुआ सी आर पी बेनिफिट असिस्टेंस क्योंकि तब मेरे पास जॉब नहीं थी hmm. मेरी जॉब कोविड की वजह से मैं इंडिया गया तो मेरी जॉब चली गई थी hmm. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ दैट सिचुएशन पुट टुगेदर आई एम हियर सो मेरे यहाँ पे आने में एटलीस्ट जस्टिन ट्रूडो का हाथ अच्छा हात अच्छा दैट इज़ गुड बहुतों को हेल्प हुई है हाँ और अब इमिग्रेशन का फ्यूचर के बारे में तो बात करेंगे हाँ बट उस टाइम जब आप आ गए लाइसेंस आ गया उस टाइम का इमिग्रेशन प्रोसेस और yes. प्रोग्राम्स बहुत डिफरेंट थे प्रोग्राम से उस टाइम का एक अर्ज कनाडा मूव होने की लोगों की अलग थी अब अलग है हुँ, हुँ। सो क्या आपको चेंजेस लग रहे हैं कि उस टाइम पे क्या फोकस था गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम्स थे हुँ, हुँ। और अब क्या चेंजेस आ चुके हैं उस टाइम के और अब टाइम में देखो मैं आपको मतलब आई माई क्लाइंट गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम माई एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ में तीन तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं ओके वन इज द एप्लीकेंट वन इज़ द गवर्नमेंट द अदर वन इज द ऑडियंस ऑडियंस वो है जो बैठ के सिर्फ मजे ले रही है ओके hmm. एप्लीकेंट okay? वो है जो एक्चुअली ग्राइंड में से जा रहा है ठीक है और गवर्नमेंट एक ऐसी सिचुएशन में बैठी है जिसको मालूम है कि इमिग्रेशन इज़ डैम इम्पॉर्टेंट नाउ आज की डेट में अगर आप मार्क मिलर या फिर पहले शॉन फ्रेजर आप इनके अगर आप इंटरव्यूज़ को लाइन अप करो तो लुक एट देर इंटरव्यूज़ ये लोग इकोनॉमिस्ट मतलब एक अच्छी पोजिशन पर बैठे इनको समझ में आता है कि कैनाडा के अंदर बेबी बूमर पॉपुलेशन बहुत जल्दी नीचे जा रही है राइट तो दे बी बिग गैप जैसे ही बेबी बूमर का जैसे ही वो गैप क्रिएट होगा ये बेबी वूमर्स विल स्टार्ट क्लेमिंग पेंशन दे विल स्टार्ट पुटिंग इन मतलब इनको मेडिकल असिस्टेंस की हेल्प लगेगी इन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज दिस इज नैचुरल दे वर्कड देयर इंटायर लाइफ अब उनका टाइम है पेंशन लेने का और हेल्थ के बेनिफिट्स को कंज्यूम hmm. करने का नाउ द द ओनली थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज के कैनेडा अपने टैक्स के पैसे आज कमाता है हम टैक्स पेयर से और आज ही फ्रेश ताजा पैसे लेता है ताजा पेंशन देता है ताजा लोगों से टैक्स लेता है और बिल्कुल फ्रेश ही लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स में बांटता है नाउ इमेजिन हेल्थ के कंजम्पन या फिर पेंशन की कंजन बढ़ने वाली है इमिग्रेशन अगर रोक दिया तो टैक्स कौन पे करेगा राइट right? नाउ अब जो पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन के बाद धर्म संकट भी है और कर्म संकट भी है नाउ धर्म संकट बोलता है कि मेरे को अपनी गद्दी बचानी है सीट बचानी है है ना तो वो है कि अब कैनेडियन सिटीजन को खुश करना है ठीक है बट कर्म संकट ये है कि अगर इमिग्रेशन रोकी तो टैक्स भी नहीं आएगा सो so, अपटिल नाउ उन्होंने कर्म संकट बचाया बेसिकली उन्होंने इमिग्रेशन बनाई है ना फुल लोड पे बुलाया लोगों को अब आखिरी बेचारों के पास एक साल बचा है हुँ. तो जो किया है अब अपनी सीट भी तो बचानी है ना अगर सीट पे ही नहीं रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो सेल्फ यू नो सेल्फिश पर्पज होता है ना? Yeah. तो अब उनको ऐसा लगता है कि यार सीट um, बचे दे कैन कम बैक एंड देन स्टार्ट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ कैनडा इज के उन लोगों को इमिग्रेंट्स चाहिए नाउ दैट देव प्लान राइट इंफ्रा बेटर प्लान करते हाउसिंग बेटर प्लान होती आई गेस दैट्स वेयर लेफ्ट एनी वेज स्टेक होल्डर ऑफ द अब ये वो वन स्टेक होल्डर है ना सेकेंड स्टेक होल्डर है एप्प्केंट अर्ज ऑफ कमिंग टू कैनेडा आज भी है आप आज की डेट में एक नया प्रोग्राम खोलो आई आई एम टेलिंग यू जैसी एक मेरी वीडियो जाती है ना नए चेंज की जब भी मैं डालता हूँ व्यूज शूट लाइक एनी है ना आप नेगेटिव न्यूज़ डालो से एक प्रोग्राम बंद हो गया तो भी शूट करता है ठीक है एंड दैट्स ऑलवेज द केस तो मतलब अर्ज इन दैट स्टेक होल्डर इज देयर बट द प्रॉब्लम इज के उस स्टेक होल्डर के लिए यानी कि एक एप्लीकेंट के लिए कंपटीशन बढ़ गया है सो so, जब आप और मैं आए है ना आई रिमेंबर आपने बताया था कि आपका स्कोर 443 था ना जो कट ऑफ पे आया था yeah. जब मैं आया तो 458 था इमेजिन आज की डेट में 450 वाले लोग तो मतलब सोच भी नहीं सकते कनाडा राइट तो जब आप और मैं आए उस साल में तीन लाख इमिग्रेंट्स आए थे आज के साल में पांच लाख आ रहे हैं तो एब्सोल्यूट नंबर तो कम ही नहीं हुआ तो कौन कहता है कि इमिग्रेशन कम हुई इमिग्रेशन तो कम नहीं हुई hmm. इमीग्रेशन बंद नहीं हुई इमिग्रेशन मुश्किल हो गई है yeah. क्यों क्योंकि ट्वेंटी सिक्सटीन टिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लोगों के बीच में इमिग्रेशन की नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई स्पेशली ड्यूरिंग कोविड है ना लोगों को पता चला कि ऑप्शन हैं हम बाहर जा सकते hmm. उसको यूटिलाइज़ करके बड़े सारे लोग कैनेडा में स्टूडेंट्स की तरह आए एज hmm. स्टूडेंट्स उन्होंने पी जी डब्ल्यू पी लिए और एज पी जी डब्ल्यू पी होल्डर साढ़े चार सौ का कट ऑफ था वो पाँच सौ पे पहुँच गया तो इमिग्रेशन बंद नहीं हुई hmm. मुश्किल हुई है नाउ कम्स द थर्ड पर्सन ऑडियंस अब ऑडियंस को अब जिसके यहाँ पे पी आर नहीं हुई है जो कॉम्पिटिशन से बाहर चला गया या फिर वैसे भी सोशल मीडिया में कंजम्पन hmm. जो लोग बेसिकली पी आर नहीं ले पा hmm. रहे है ना जो लोग बेसिकली कॉन्टेंट बना रहे हैं या आकर मेरे जैसे क्रिएटर है ना एंड देन लोगों ने कॉन्टेंट बनाना शुरू किया नेगेटिव वर्ड ट्रेवल्स और आज हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है ना बट hmm. अगर आप एब्सोलूट नंबर देखो इमिग्रेशन का कम नहीं हुआ दे आर ऑल फॉलोइंग द सेम पैटर्न देखो इमिग्रेशन स्टार्टेड विद यूके आज यूके जिस पोजिशन पर बैठा है इन टर्म्स ऑफ क्लोज बॉर्डर्स यू एस बहुत पास में है राइट right? जैसे ही यूएस मुश्किल हो गया है वैसी सिचुएशन पे अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पीछे न्यूजीलैंड है एंड देन कनाडा सो दिस इज जस्ट फॉलोइंग द सेम पैटर्न एक कंट्री अपने टाइम में पॉपुलर होती है लोग पहुँचते हैं कनाडा उस पोजिशन में खड़ा है धीरे धीरे उसके बॉर्डर्स बंद होने शुरू करते हैं प्रोग्राम्स डिफ़िकल्ट होते हैं एंड देन दे रीच देयर सैचुरेशन स्टेज आज कनाडा है कल कोई और खुल जाएगा बट जैसे आप कह रहे हो कि जो बेबी बूमर्स हैं जो रिटायर होने वाले हैं वो तो नेक्स्ट फाइव इयर्स में नंबर बढ़ते जाएंगे ये yes. तो इमिग्रेशन तो बंद तो फिर कर ही नहीं सकते वही तो प्रॉब्लम है बट हाँ। गद्दी बजाने के लिए जो पॉलिटिशियन बैठा है बेचारा yeah. वो अगले पांच साल तो तब प्लान करेगा ना जब उसकी सीट बचेगी yeah. तो फिलहाल वो पॉज ले रहा है आप अभी मार्क मिलर के वर्ड्स को ध्यान से सुनो वो कह रहे हैं कि सो अभी मार्क मिलर का परसों का ट्वीट था या दो चार दिन पहले का ट्वीट था एंड ही ट्वीटेड वेरी सेइंग दैट दिस ईयर वाज द लोएस्ट बर्थ रेट इन कनेडियन हिस्ट्री तो मुझे एक बात बताओ बेबी मोवर जा रहे हैं कनेडियंस बॉर्न नहीं हो रहे तो टैक्स कौन पे करेगा चाहिए बट फिर सीट भी बचानी है तो ये सिर्फ जो गैप है ये अगले दो साल का है आ, मेरे हिसाब से दिस इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्योंकि उससे ज़्यादा हम इकोनॉमिकली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ओके okay, so, इमिग्रेंट सो इमिग्रेंट्स तो चाहिए बॉस और मुझे लगता है कि सिर्फ ये टैक्स पे डिपेंडेंट नहीं है हाँ बहुत कुछ है बहुत चीज़ है अपना सबसे पहले तो जो इमिग्रेट आ रहा है वो अपना फंड्स लेके आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट थ्री टाइम्स फोर टाइम्स ज़्यादा फीस दे रहे हैं यहाँ पे आके जो इमिग्रेंट्स हैं मे बी वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं hmm. वो फिर पे कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ले रहे हैं उसका हाउस टैक्स दे रहे हैं आ, लेबर मार्केट जो है उसकी शॉर्टेज फुलफिल कर रहे हैं hmm. यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं hmm. सो अगर इसको लिस्ट डाउन करें तो बहुत तरीके से कनेडिन इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं करेक्ट तो ये एकदम से बंद नहीं कर सकते तो ये जो भी डिसीजंस ले रहे हैं जैसे आपने बोला कनेडियंस को खुश करने के लिए राइट right? बट uh, मुझे लगता है कि कनेडियंस खुश तो हो जाएंगे कि uh, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि इमिग्रेंट्स हमारी जॉब ले रहे हैं तो गवर्नमेंट इमिग्रेशन बंद कर रही है तो हमें अब जॉब मिल जाएगी मुझे नहीं लगता मिलेगी बिकॉज जॉब की जो शॉर्टेज है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स कमिंग इन टू कैनेडा एंड दे आर टेकिंग जॉब्स जॉब की शॉर्ट वैसी है जैसे सब जगह अभी इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो शॉर्टेज तो वैसी ही है hmm. तो मुझे जो लगता है कि पहले जो इतने आ, ड्रास्टिक मेजर लिए थे कि हम हाफ मिलियन इमिग्रेट्स बुलाएंगे तो वो अभी जो पॉज लिया जा रहा है वो वही सिर्फ सीट बचाने के लिए ज़रूरत तो अभी भी है तो वो कहीं ना कहीं से बुला लेंगे मे बी अभी कनेडियंस को ये प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा बुला लिए इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा बुला लिए तो उस पर पॉज लगा लिए मे बी दूसरा कोई साइड में प्रोग्राम स्टार्ट करा के वो कर देंगे केयर गिवर प्रोग्राम जैसे करा था पहले उस पर इतने नहीं आते थे इमिग्रेंट अब उस पर कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं राइट लॉस ऑफ ऑप्शन है सो अभी देखो एक साल बाद मेरे ख्याल से वो oh, और ड्रास्टिक नहीं आने ही हैं लोगों को यू नो वेरी राइटली सेड के दे कैन नॉट शट डाउन द बॉर्डर्स सब लोगों को मालूम है कनेडियंस कैन ओनली बी नाइव एंड इग्नोर फैक्ट कि हमें नहीं चाहिए बट लेट्स बी ऑनेस्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट घर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ को खड़ा करने के लिए हमें चाहिए है yeah, ना yeah. तो ठीक है आई मीन मोमेंट्री है गवर्नमेंट को भी उस चीज़ को उस प्रेशर को सकाम करना है तो दे विल डू इट है ना बट yeah. येस yes, आने वाले टाइम में बड़े सारे प्रोग्राम्स आने की उम्मीद है अभी हुँ. भी इन द पाइपलाइन है आ, हम लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं आ, तीन या चार प्रोग्राम तो अभी हमारे ऊपर खड़े हुए हैं जो हमें मालूम है कि आने वाले टाइम में आने वाले बट चेंजेस भी साथ में आ रहे है, हैं ठीक है एक क्विकली एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कनेडियंस को प्रॉब्लम है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हमारी जॉब जा रही है हमें जॉब नहीं मिल रही इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट हो रहा है दूसरा उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ इमिग्रेंट्स कल्चर को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे यहाँ पे असिमलेट नहीं हो रहे और रूल्स ब्रेक कर रहे हैं आ, या फिर वो लॉस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड जैसे वो इंडिया में बिहेव करते थे जैसे पाकिस्तान में बिहेव करते थे वैसे ही यहाँ पे बिहेव hmm. कर रहे हैं सो so, एक ये भी बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्टॉप द मास इमिग्रेशन दिस इन दैट सो उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है बिकॉज ये है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि देर आर पॉपुलेशन फाइव परसेंट टेन परसेंट टू परसेंट जो है जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी या इमिग्रेंट्स का नाम खराब हो रहा है देखो कोई भी कंट्री में आप किसी भी घर में आप एक छोटे से अपने घर के अंदर किसी गेस्ट को भी बुलाओगे ना तो वो गेस्ट अपनी अपनी चीज़ें अपना कल्चर अपनी एक लेवल की एटीट्यूड हरकत साथ में लेके आता है राइट अब आप इतनी बड़ी कंट्री में हाफ अ मिलियन लोग मिला रहे हो है ना यू एक्सपेक्ट देम टू बी सिविलाइज और यू एक्सपेक्ट देम टू बी एज पर योर रूल्स ऑन डे वन आई थिंक आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई बट एट द सेम टाइम जो आ रहा है ना उसको भी जाने वाली कंट्री की रिस्पेक्ट पूरी करनी चाहिए है ना तो ये ये इट गोज़ बोथ वेज है ना आपको भी थोड़ा कोऑपरेटिव होना पड़ेगा और जो आ रहा है उसको तो थोड़ा ज़्यादा ही समझदार होना पड़ेगा सो so दैट वो उसको मालूम है वो जहाँ पे जा रहा है उसके कल्चर को पहले समझ के जाए है ना आप अपने घर के जैसे आप अपने घर के अंदर घर के बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो अब आप किसी और के घर में जाते हो आप गंद नहीं मचाते हैं एटलीस्ट ट्राई तो करते हो ना तो यस एग्ज़ाम्पल ही मैं ले लेता हूँ आप आयो मैं आया हूँ आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे आके चेंज की होंगी मैंने भी यहाँ आके चेंज किया बिल्कुल ऑल दो अगर हम एटी परसेंट या नाइनटीन परसेंट रूल्स फॉलो करते तो यहाँ पे हम नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं बड़ा सिंपल सा है आप देखो अब हम लोग शॉपिंग जाते हैं आप रेड लाइट पे खड़े होते आपने रेड लाइट पे आके इंडिया में आप रेड लाइट पे हो सकता है दस में से सात बार खड़े हो तो तीन बार ही आप ना थोड़ी थोड़ी देर देखकर आप निकल जाते हो आपने यहाँ आप पे एक बार भी कोशिश करी होगी नहीं आप रूल को अबाइड बाय करने की सड़क पार करने की देख लो ना ये वॉकिंग थ्रू द रोड इंडिया में जीवरा क्रॉसिंग देखने को ही नहीं मिलती है तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग जाते हैं सीधा जहाँ पर देखा निकल गए बट यहाँ पर यहां पे आपने कोशिश तो करी ना कि है वेट फॉर द लाइट टू टर्न वाइट और ग्रीन एंड देन यू विल वॉक है ना तो एज इमिग्रेंट्स एज स्टूडेंट्स एज वर्कर्स आपको उस कंट्री को रिस्पेक्ट करना है आप अपने कल्चर का शो ऑफ करें बिल्कुल करें बट एक लिमिट में सो दैट इट डजेंट डिस्टर्ब एनी है ना बड़ा सिंपल सा जा एग्जाम्पल है पिछले साल दिवाली पे क्या हुआ उससे उससे एक साल पहले दिवाली में क्या हुआ आपने पटाखे फोड़े आपने सारे प्लाजा को ख़राब किया जाते जाते क्लीन कर जाओ कुडे बिन सिंपल है ना आपने मना लिया आप जाते हैं तो उसको क्लीन कर जाओ बट नहीं अगली मॉर्निंग प्रेस आई मीडिया आई उन्होंने कवर किया एंड हियर वी आर कि दिवाली पे इंडियंस ने गन मचाया सो so बैन हो गया यस yes. बैन भी हो गया करेक्ट सो दिस इज हाउ यू असीमुलेट इन द कल्चर यू शुड बी माइंडफुल जब आप किसी और के घर में जा रहे हो अभी तक आप वहाँ पे पीआर सिटीजन नहीं हो hmm. तो उसको खराब मत करो एंड देन बाय द टाइम जब आप पाँच साल बिता लोगे ना आप इतने सीख चुके होगे कि आप पी आर सिटीजन होने के बाद आप उसको खराब वैसे ही नहीं करोगे hmm. इस पर ना जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा अच्छा तो क्या ही है बट उसने अभी रिसेंटली यूएस में था वो अभी एक दो हफ्ता पहले तो, टॉक शो पे आया हुआ था हुँ. तो ना उसने एक बात बोली जो मुझे बड़ी स्ट्राइक करी कॉन्ट्रेरी वे कहता अमेरिकन्स कहता अमेरिकन और अमेरिकन कल्चर इज अ मेल्टिंग पॉट अमेरिका ऑल्सो हैज अ लॉर्ड ऑफ इमिग्रेंट्स ठीक है सब लोग आते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे वो अमेरिकन बन जाते हैं ठीक है ऑन दी कॉन्ट्ररी कैनेडा इज अ मोजैक लोग अपने कल्चर को लेके आते हैं और वो अपने कल्चर का मोजैक बना के बैठते हैं मतलब आप कैनेडा तो हो hmm. बट विद इन कैनेडा छोटे छोटे कम्युनिटीज में बटे हो hmm. जो कि अमेरिकन मतलब जस्टिन टूडोज उसको खराब बोलने की कोशिश कर रहा था बट मुझे उल्टा अच्छा लगा कि सब अपने पुराने बैगेज को छोड़ के hmm. एक नए अमेरिकन कल्चर में घुस चुके हैं तभी आप आप अमेरिका जाओ ना तो कोई नहीं बात करता मैं इस कम्युनिटी से आया हाँ। हूँ hmm. हालांकि कोई वहां का नेटिव है नहीं है ना बट वो सब कहते हैं वी आर ऑल अमेरिकन क्या आपने यहाँ पे किसी कम्युनिटी कनेडियन कम्युनिटी को ऐसे बोलता है देखा कि हाई वी आर कनेडियंस या फिर हम पुरानी कम्युनिटी बोल चुके कोई नहीं बोलता तो आई गेस ऑन अ पोलिटिकल लेवल मेल्टिंग पॉट होना जरूरी है रादर देन yeah.

इस कंट्री का सिटीजन है करेक्ट ठीक है बट इट डजेंट मीन कि दिवाली नहीं मनाएगा है ना मंदिर नहीं जाएगा वट एवर बट ये फिर आपके माइंड में कहीं कही ना कहीं होना चाहिए कि सिटीजन आप कैनेडा के हो सो so, वो चीज अमेरिका में होती है पेट्रोटिज्म हाँ, मिसिंग है ये yeah. थोड़ी सी अभी क्योंकि Patriotism नहीं है। yeah. Hmm. बहुत ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज hmm.

हमें यहाँ पे वो ड्राइव मिसिंग है मतलब वो जो पावर है ना कि यस आई एम अ गॉड आई एम वो फ्रॉम अ यू नो फ्रॉम अ ड्राइव कल्चर ड्राइव नहीं है बहुत uh, क्योंकि वो नहीं है तो, तो फिर है। वो चीज़ ढीली पड़ गई ना वो चीज़, चीज़ मुझे लगता है जो यहाँ पे दस पंद्रह साल से हैं हाँ। उनमें है हाँ उनके अंदर है उनके अंदर है मैंने जनरेशन मैंने रियलाइज करा वो चीज़ है एंड मे बी ये जो जनरेशन है लास्ट सिक्स सेवन ईयर्स को उनमें भी आएगा और उसके साथ फिर एक और चीज़ आएगी अगर वो उनके अंदर ये वाला कनेडियन पेट्रियजम आएगा तो उनके फ्रेंड्स रिलेटिव से हेट भी बहुत आएगी हाँ। कि आज से साल बाद को फर्क पड़ना हाँ। बंद हो जाएगा अच्छा तुम्हारी तुम अब कनेडियन हो गए तुम हाँ। पैदा यहाँ पे हुए थे तुम छह साल पहले गए हो वहाँ पे तो so, एक वो चीज आएगी बट अभी uh, ये सिचुएशन चल रही है तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि टॉप थ्री इमिग्रेशन प्रोग्राम्स अगर किसी को कैनेडा आना है इन टर्म्स ऑफ इजनेस में बोलूँगा कौन से हैं देखो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सिटिंग ऑन इज इलेवेंथ अक्टूबर राइट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हैव बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मेनली बिकॉज अगर आप फेडरल लेवल पे देखो तो ज़्यादातर चलने वाला प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री ठीक है और अगर आप पी के लेवल पर देखो तो पी एन बड़े टाइट होते जा रहे हैं राइट क्योंकि उनके कोटाज़ फिल हो गए हैं 2024 का कोटा 2023 के मुकाबले जल्दी फुल हो गया है आने वाले साल में तीन प्रोग्राम्स मेरे हिसाब से जो अच्छे आने वाले हैं जिनको लोग यूटिलाइज कर सकते हैं पहला जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है आपका रूरल कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम जो आरएनआईपी का रिप्लेसमेंट आया है दैट विल भी वेरी गुड सेकेंड आपका जो केयर गिवर का एच का जो रिप्लेसमेंट आया बेसिकली नानी प्रोग्राम का जो पी आर ऑन अराइवल ऑन द बॉर्डर है वो भी पुराना प्रोग्राम ख़त्म हुआ सक्सेसफुल अब नया रिलीज मतलब तो लॉन्च कर दिया गया रिलीज़ होने वाला है बाई स्प्रिंग वो बड़ा अच्छा आने वाला है एंड थर्ड इज़ के आप कोटाज़ जो पी एन पी के रीसेट होंगे नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए वो जो आने वाले हैं राइट एंड चौथा एक और प्रोग्राम आने वाला है जो कि स्किल लेवल फोर एंड फाइव क्रिएटिंग गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट और uh, हो सकता है एक नया फेडरल लेवल पे प्रोग्राम लोअर लेवल लो स्किल्ड प्रोग्राम के लिए आएगा दैट शुड बी गुड ओवरऑल आई थिंक एक्सप्रेस एंट्री विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द सेम वे बट विल गेट मोर टाइट ओके क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है बट um, जैसे इन्होंने स्टूडेंट्स कम कर दिए अगले साल और उसके अगले साल तीन लाख स्टूडेंट कम होंगे मतलब तीन लाख वर्क परमिट कम होंगे क्योंकि तीन लाख वर्क परमिट कम होंगे मतलब तीन लाख कैंडिडेट सी का कम हो जाएगा ठीक है तो एक्सप्रेस एंट्री का जो पीक है अभी पॉइंट्स का कुछ टाइम के बाद नीचे गिरेगा ओके एंड देन टू गेट इनोवेटिव मे बी उस टाइम पे कोई नया प्रोग्राम आए कुछ आए बट ये जो इस टाइम पे जो पीक मार रहा है सीई सी जो और प्रोग्राम्स आप देखो ना अगर सी सी कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो कौन साढ़े पाँच सौ का स्कोर लेगा ले नहीं पाएगा तो फिर एक्सप्रेस ऑल प्रोग्राम कम आएगा कि ये लोग फिर दोबारा से कोई ऐसा प्रोग्राम निकाल दें जिसमें और लोग वर्क परमिट आना शुरू है ना अगर वो आ गए तो फिर नहीं जाएगा सो सी सी सो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री पीक कर रहा है इस टाइम पे क्योंकि कनेडियन एक्सपीरियंस के लोग ज्यादा है तो जो टेम्परेरी आ गया स्टूडेंट वीजा से उसने कनेडियन एक्सपीरियंस ले लिया वो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी एक्सप्रेस एंट्री को पुश करता हूँ डायरेक्टली प्रपोर्शन है और ये एक साल मतलब दो साल के अंदर होता है दो साल पहले स्टूडेंट आया एक साल पढ़ाई एक साल एक्सपीरियंस क्लास और फिर उसने स्पाइक किया स्कोर को तो जैसे मैं आ, रियल स्टेट में फुल टाइम आया हूँ तो इसको इमिग्रेशन से बहुत लिंक किया जाता है होना भी चाहिए कि रियल uh, स्टेट uh, में आप आ गए हो लेकिन रियल स्टेट तो अब uh, नीचे जाएगा बिकॉज इमिग्रेशन बंद हो रहा है क्योंकि इमिग्रेशन से लिंक्ड है बट आप कह रहे हो कि इमिग्रेशन बंद ही नहीं हो सकता पॉसिबल yeah. ही yeah. नहीं है इमीग्रेशन बंद होना पॉसिबल ही नहीं है हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाए yeah. मैंने आपको बेसिक फिगर्स दिया है ना फोर्टी मिलियन पीपल लुक एट द लैंड लैंडमार्क थ्री टाइम्स ऑफ इंडिया आप खुद बताओ ना इतनी बड़ी एक ऑपरेटिंग फैक्ट्री को hmm. चलाने के लिए है ना मेडिकल सर्विसेज इमरजेंसी सर्विसेज सब पैसा लेती हैं hmm. आप चालीस लाख लोग मतलब फोर्टी मिलियन पीपल चार करोड़ लोग कितना ही दे देंगे और जो मेरे पास स्टैट्स हैं और जो डायरेक्टली कॉल्स भी आते हैं कितने लोग हैं जो रेंट पर अभी हैं एंड दे वांट टू बाय हाउस हाउसेस की इतनी शॉर्टेज है कि वो एक प्राइस पे ले ही नहीं पा रहे बिकॉज जॉब और मे बी पैनिक मोड है इंटरेस्ट रेट तो अगर वो सारे भी मार्केट में आए तो प्राइजेस तो नीचे नहीं जाएंगे प्राइजेस तो ऊपर ही जाएंगे घरों के देखो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी ना इसी बारे में कि रियल इस्टेट के प्राइसेस uh, क्या होंगे ना आई एम नॉट अ रियल इस्टेट एक्सपर्ट बट फ्रॉम द इंडिकेटर्स ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए देर इज अ शॉर्ट अभी ना मार्केट नॉर्मलाइजेशन हो रही है ठीक है ऑब्वियसली कनेडियन हाउसिंग मार्केट इन्फ्लेटेड थी वो इसलिए थी क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट आप जानते हो ऑल टाइम वन पॉइंट वन फाइव के आसपास पहुंच गया था है ना तो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इजी पैसा है कोई भी इन्वेस्टर बैठा है दो लाख डॉलर पड़ा हुआ है बगैर उसको चढ़ा दो अगर आप रेंट के हिसाब से भी निकाला तो भी दो से तीन की वापसी है मतलब बेसिक बनिए वाला दिमाग हो गया नहीं तो तो अगर इतना सस्ता कर दोगे तो बिकेगा तो अगर आप उसको एक कंट्रोल फिगर में दो तो इन्वेस्टर को मालूम है कि अगर उसके पास सरप्लस मतलब ओवर एंड अबव नहीं पड़ी तो फिर वो रियल एस्टेट में फालतू लोड नहीं करेगा है ना और वहीं से डिमांड सप्लाई बैलेंस होगी एंड पीपल विल बी एबल टू बाय सो बेसिकली यू हैव टू पुश बैक ऑन लो इनकम इन्वेस्टर्स सरप्लस वाला तो अब जैसे ब्लैक रॉक है है ना ब्लैक रॉक ने तो महंगा हो जैसे सस्ता उसने तो खरीदना ही खरीदना है बजाय कि आप और मैं जैसे है ना अगर हमारे पास सरप्लस में एक लाख डॉलर पड़ा है और हमें मालूम है कि रिटर्न उतनी ज़्यादा नहीं है तो हम कहीं स्टॉक्स में लगा देते हैं मालूम है कि जल्दी निकल आएगा बजाय कि एक थोड़ी सी यू नो सिरदर्दी लें हमें बस हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को पुश करना है उनको नीचे रखोगे तो मार्केट विल स्टेबिलाईज तो इमिग्रेशन की अगर आ, मैं बात करूँ बिकॉज आप एक्सपर्ट हो आ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अर्ली एज में आ जाए कैनेडा और बहुत लोग प्लान करते हैं फोर्टी फोर्टी फाइव आपको क्वेश्चन आते होंगे कि आप कैसे मूव करें ठीक hmm. uh, है जल्दी से जल्दी आना चाहिए बट hmm. क्या एक परफेक्ट एज है कैनेडा hmm. मूव होने की हाँ so, सो मैं दो साल से लोगों को बोल रहा हूँ अपने चैनल पर कि जल्दी से जल्दी नहीं आना चाहिए ओके राइट एज आई एम टेलिंग यू बाय नंबर्स बाय द बेस्ट टाइम टू क्लेम मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन एक्सप्रेस एंट्री राइट एज इज इंडिया में एक बैचलर्स या पाकिस्तान या दुबई या कहीं पर भी आप रहते हो ग्रैब योर थ्री ईयर डिग्री जो थ्री ईयर डिप्लोमा हो एडवांस डिप्लोमा या डिग्री प्लस थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम होम मिनिमम वन ईयर प्रेफरेबली थ्री ईयर्स अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है देन योर ऑन द राइट स्पॉट टू कम टू कैनेडा द बेस्ट टाइम फ्रेम टू हिट कनेडियन शोअर्स इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव अगर आप इनफैक्ट 25 टू 30 इज इवन बेटर मतलब प्राइम क्रैम एज 25 टू 30 30 टू 35 इज स्टिल मैनेजेबल बियॉन्ड 35 आप समझ लो आपको बिना पीएनपी के आपको सरवाइव पाना मुश्किल है ये तो होगी बात कि इमिग्रेशन कितना इजी होगा ये वाइज जनरली मैं बोलूं अदर देन इमिग्रेशन लेट से किसी का अगर 40 में भी इजीली हो रहा है और 20 maybe easily, उसको मिल रहा है, the क्योंकि फिर आपको, आपको ना मार्केट में इंटीग्रेशन बेटर हो जाएगी अब ऐसा है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना फिर वो चाहे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी हो या दिमाग की हो हुँ. अगर आप ट्वेंटी की एज में आ जाओगे हुँ. तो आप यहाँ का वर्क कल्चर सीख लोगे हुँ. आपके पास बैगेज कम होगा अनलर्निंग भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना आप नई नौकरी पे जाते हो या एक नया अनलर्निंग भी तो करनी है ना आपको आप चालीस साल की एक्सपीरियंस की अनलर्निंग करोगे वर्सेज आप ट्वेंटी ईयर्स की अनलर्निंग करोगे यू वेरी वेल नो दैट सो सूनर इज़ द बेटर बिकॉज़ यू विल लर्न दी वर्क कल्चर फैमिली का बैगेज नहीं है आप थोड़े मोबाइल ज़्यादा हो आपको रीजनल में जाने की जरूरत पड़े तो आप जा सकते हो एक शादीशुदा इंसान कनाडा आएगा 45 की एज में उसको बोले यार टोरंटो छोड़ के तुम जाके नोवस्कोशे जा जाके रहो वो कहेगा यार मैं वहाँ पे क्या करूँगा मेरे बच्चे क्या करेंगे मेरे बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे मेडिकल डॉक्टर कहाँ ढूंढेंगे इक्की साल के लड़के को बोलो उसने दो सूटके से उठाने कह रहे चलो जी मैं तो चला है ना मोबिलिटी आई गेस द बेटर इज इज अ क्लियर कट विनर तो आप अभी इतने साल से इतने सारे इमिग्रेशन केसेस मैनेज कर रहे हो एवरेज मैं बोलूँगा तब से लेके अब तक मोस्टली अगर मैं बोलूँ टॉप टू कैटेगरीज किस टाइप के लोग इमिग्रेट करना चाह रहे हैं क्या रीज़न्स हैं बिज़नेस क्लास हैं या सैलरी वाले हैं या फिर ऐसे हैं कि हमारे वहाँ पर सैलरी अच्छी नहीं हमें आके थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं हुँ. तो मोस्टली किस टाइप के होते हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस में दो नहीं मैं तीन तरीक़े के बोलूँ पहले तो मैंने देखे हैं जिन लोगों ने अपनी अर्ली एज लाइफ में मतलब बाई अर्ली आई I मीन mean एटीन ट्वेंटी टाइम्स उन्होंने ऑलरेडी इंडिया में उनकी एक सी जॉब थी एंड दे हैड दर हार्ट सेट ऑन कैनाडा मतलब ये वो ऑडियंस uh, है जिसने बचपन से ही सोच रखा है कि हमने आयल्स करना है mm. और हमने जाना है एंड लेट मी टेल यू मेरी जो क्लाइंटल है वो सिर्फ पंजाब से नहीं है आई हैव पैन ग्लोबल क्लाइंटल मतलब मेरे पास साउथ इंडिया Hmm. साधन पार्ट तमिल मेरे पास गुजराती मेरे पास दुबई से मेरे पास यू you नो know, ऑस्ट्रेलिया यूके हर तरीके का hmm. है सो so, इनफैक्ट मेरे पास दिल्ली और पंजाब का पॉपुलेशन इज द लीस्ट परसेंटेज इफ़ आई लुक एट राइट तो 18 टिल 20 दे हैव देयर हार्ट सेट वो बड़े अच्छे से वेल रिसर्च लोग हैं लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका दिमाग एकदम सेट है कि भैया हमने तो कैनाडा ही जाना है hmm. दूसरी जो मेरे पास क्लाइंट है वो वेल रेड वेल एजुकेटेड आईटी के लोग या फिर गुड एक्सपीरियंस वाले जो लोग अपने प्रोफेशन लाइक मार्केटिंग ऑप्स उसमें सेट हैं एंड वो लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पे उखाड़ चुके हैं है ना फिर आप चाहे उसको सैलरी कह लो चाहे प्रमोशंस कह लो एंड एंड अब उनकी लाइफ में ना उनको ऐसा लगता है कि आफ्टर थ्री और फोर ईयर्स ऑफ वर्क नेक्स्ट माइल स्टोन वुड बी दिस है ना नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट उनको ऐसा लगता है कि यार चल यहाँ पे मैंने माइका कर लिया आई एम कर लिया एंड ये स आई एम टी कर लिया ये सब कर लिया अब किक नहीं है लाइफ में है ना mm. मैं क्या करूँ मेरे को ये फालतू का ही है चलो ये भी कर लेता हूँ है ना और फिर थर्ड लेवल ऑफ ऑडियंस मेरे पास आती है वो है बिल्कुल ही बियॉन्ड फोर्टी फाइव पैसा बहुत ज़्यादा है एंड दे डोंट हैव एवेन्यूज वेयर टू स्पेंड फिर mm. उनको लगता है कि यार वी माइट हैव अन ऑफिस

टीयर्स बोलूँगा क्योंकि उससे पहले तो रीजंस डिफरेंट होंगे। सो वन वेरी कॉमन आंसर दैट आई गेट इज अ बेटर लाइफस्टाइल। ओके एंड देन दी सेकंड कॉमन आंसर आई गेट दैट इज आई एम फेड अप ऑफ द दी पोल्यूशन एंड दी क्राइम एंड वी वांट टू गो टू अ प्लेस वेर वी फील मोर सेफ एंड आर किड एंड क्राइम और वो भी बहुत ज्यादा आता है अब वो को को जब आप उनसे explain करने को बोलो ना कोई कर नहीं पाता। पाता। कर नहीं क्योंकि वो पे... सुना हुआ है बस। हाँ। कि वीडियोस में Canada में बेटर अब लोग कहते हैं हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो नहीं होगा आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो सकता है जब आपको दो नौकरी करनी पड़े सर्वाइव के लिए एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे भी तो महंगाई है ना तो आप एक नौकरी में सुबह आठ बजे से लेकर रात को आठ बजे तक नहीं दे रहे हो आप उसको कह रहे हो कि इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है बट कनाडा में आपने नाइन टू फाइव एक करी फिर फाइव टू नाइन आपने एक करी फिर हाउ डज दैट क्वालिफाई बट वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो वेल well, yes. वो खुद को एक बहाना सा दिया हुआ है yeah. कि हमें गुच्ची अरमानी या फिर टॉमी या ये सब पहनना थोड़ा इजिली एक्सेसिबल है कैनेडा में है ना और इंडिया में क्योंकि हम रुपीज़ में अर्न करते हैं तो वो थोड़े महंगे लगते हैं है ना बस उसी को एक बेटर लाइफ स्टाइल थोड़ा फ्लैशी लाइफ स्टाइल दे दिया गया अदरवाइज डिफाइन करने को बोलो ना लाइफ स्टाइल नो बडीज क्योंकि कईयों के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है हाँ. जब वो यहां पे नहीं मिलती तो उनको लगता है यार ये क्वालिटी ऑफ लाइफ वो थोड़ी है जो quality. मैं सोच के आया था व्हेन व्हेन द आइडियल आंसर एज आई बिलीव अब अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आप आप क्यों या आपको क्या चीज बेटर मिलेगी तो मैं कहूँगा यार बेटर तो फिर मेरे को मेरे ख्याल से जिस तरीके से सारे लोग लाइन में खड़ा होना सीख जाते हैं जिस तरीके से लोग पेशेंटली रेड लाइट पर वेट करते हैं कि दूसरे वाला सड़क पार कर ले या फिर जिस तरीके से लोग पेशेंटली एक दूसरे की बात सुनते हैं दैट इज़ बेटर लाइफ स्टाइल एप्पल का प्रोडक्ट तो आज की डेट में आप इंडिया में भी उठा सकते हो है ना आप गैप की टी शर्ट आप इंडिया में पहन सकते हो तो एक अच्छी टी शर्ट या एक अच्छा फ़ोन लेना इज़ नॉट लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल अच्छा मीन्स के आप किसी की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करो सड़क पे कोई जा रहा आप उसको थोड़ी सी हेल्प कर दो पीछे एक वीडियो आई थी बड़ी हैरानी मैं वाइफ को दिखा के हंस रहा था तो इंडिया में ना एक एक बंदा सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था पर्सन वॉज़ नॉट एबल टू डू दैट तो एक ब्लॉगर मतलब जैसे टिकटॉकर वीडियो बनाता हो गया और उसने ना ऐसे जाके वीडियो में बनाई कहता आओ अंकल जी मैं आपको ना सड़क पार करा दूँ उसने उसका हाथ पोड़ने अंकल ने उसका हाथ छटका उसको माँ बहन की गालियाँ देने लग गया हाँ, हाँ, हाँ. कहता पीछे हो जाए चोर तू मेरे को हाथ की लगा रहा है फिर बंदा अपनी वीडियो बना के कहता देखो मतलब इंसानियत की भलाई करने का भी दिन नहीं है मतलब ये हाल हो चुका है कि लोग किसी की मदद भी करने जाए वहाँ पर तो भी डर लगता है मेरे पास बहुत सिमिलर एग्जाम्पल है हाँ. तो मैं वॉलमार्ट में जॉब करता था हाँ. गुड़गांव में तो एवरी ईयर ऑन साइड जाना होता था यूएस थैंक्सगिविंग के टाइम पे सो so, जब शुरू शुरू में गया फर्स्ट टाइम गया आ, तो वहां पे देखा कि बीच में से आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते क्रॉसिंग से करनी है तो मुझे अगर होटल के सामने बिल्कुल डोनट शॉप है मैं नहीं जा सकता मेरे को आधा किलोमीटर आगे रेड लाइट वहाँ से क्रॉस फिर वापस ताँग ऐसे तो ये एक चीज देखी मैंने और बहुत चीज देखी और मैंने देखा कि अगर जहाँ पे रेड लाइट नहीं और मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो गाड़ी रुक जाएंगी अरे यार इतनी इज्जत बड़ा अच्छा लगा मुझे मतलब अगर ऐसा होता है तो मैं भी करूँगा मैं मतलब बिल्कुल ऐसे आ, क्या बोलेंगे साधु संत जैसे ऐसे मैं बन गया हाँ। मैला डेली जाके मैं हाँ। सबको ऐसी रिस्प दूंगा तो हाँ, हाँ। <laughs> तो मैं गाड़ी चला रहा था और एक तो वहाँ पे तो डेली में कोई करते नहीं है हाँ। कहीं से भी कर लेते हैं सड़क क्रॉस तो डिवाइडर पर एक लड़की खड़ी थी मुझे पता था कि इसने सड़क क्रॉस करनी है तो मेरे मेरे पीछे मेरे कोई गाड़ी नहीं थी और ट्रैफिक भी इतना नहीं था मैंने रोकी गाड़ी मैं आप कीजिए सड़क पर ठीक hmm. है उसने मेरे को गाड़ी निकाली चल बिकॉज शी थिंकिंग मैं लाइन मार रहा ठीक ah. है अब कोई लड़का ऐसे करके, करके लड़का ऐसे गाड़ी रोक के बोलेगा कि हां जी जाओ तो मतलब ऐसी तो फिर मैं चला गया अब मैं क्या इंबेस होकर पीछे से मैंने रियर मिरर में देखा वो सड़क क्रॉस कर रही थी पीछे से मतलब एक चीज़ होती है एंड जो आपने पॉइंट बोला कि यहाँ पे आ, ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन करेक्ट आइडली एक वर्ड में जैसे रहना चाहिए और जो आदतें होनी चाहिए एक अच्छी हैबिट सीखनी चाहिए अच्छा ह्यूमन बींग बनना चाहिए वो आके बनता है बट आज तक मैंने ये किसी के मुंह से रीज़न सुना नहीं नहीं कोई भी नहीं बोलता मैंने कितने बंदों से बात करी है जब मैं इमिग्रेशन के वीडियो बनाता था तो बात होती थी रीज़न क्या आपका आने का या अभी भी कोई फ्रेंड या ऐसे कोई फोन कर देता है आ, आ, या कोई क्लाइंट कर देता है इंडिया से तो मैं होना चाहता हूँ मेरी दो लाख सैलरी है दो लाख रुपए सैलरी है मंथ की मैं कैनेडा आना चाहता हूँ मतलब रीज़न बताओ आपको किससे आज तक ये रीज़न नहीं बोला कोई नहीं बोलता क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत चीजें आ जाती हैं अगर उसको एक उसको डायसेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ पे इंडिया में बेटर हैं सच में मतलब ना? अगर आप देखोगे तो आपकी मतलब आपका लग्जरी आप पैसे के साथ जी पाना बहुत बेटर है, है ब्लेंकेट पे ऐसे मिल आ, सब कुछ पांच मिनट में आप मंगाओ कुछ भी घर पे आ जाएगा एमेजॉन है सब कुछ ऑनलाइन है नीचे जाके कुछ भी सामान मिल जाएगा पोल्यूशन वाला जो आपने बोला पॉइंट हाँ वो नहीं मिल पाएगा बट अगर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूँ क्या आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप पोल्यूशन को जोड़ रहे हो किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम यहाँ पे आके ठीक हो गई तो उसके लिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बेटर हो गई सो उसके लिए वो है तो इमिग्रेशन का तो आपने बता दिया रोक नहीं सकता नहीं। क्या चेंजेस हो गए हैं राइट बट एंड इस चीज से करेंगे कि हमने डिस्कस ऑलमोस्ट करा है right? बट अब किसी को कनाडा आना हो कितने चेंजेस हो गए तो क्या टॉप टू रीजन क्यों आना चाहिए किसी को देखो कनाडा टॉप रीजन आने के लिए आ, वैसे तो इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा बट आई वुड स्टिल से के आ, आप इस कंट्री को यहाँ पे आके यूटिलाइज करो यू एन हैप्रिप इन योर इन योर हेड Uh, क्योंकि कनाडा आने पे ना आपको अगर आप सिर्फ एक ऑपोरेट गेन देखो है ना कि मैं एक कंपनी में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं बड़ी जल्दी अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहता हूँ तो इट्स नॉट गुड बट मैं एक प्रमोशन के साथ में एक अच्छा लाइफ चाहता हूँ बाई लाइफ आई मीन वो लाइफ जो हमने भी डिस्कस किया अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ कि अगर मैं भले ही दो लाख रुपए नहीं कमा रहा बट मैं एक लाख रुपए कमा रहा हूँ बट मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ पे एक इज़्ज़तदार जिंदगी जी सकता हूँ मैं ढंग से सड़क पार कर सकता हूँ मेरे बच्चे पार्क में जा सकते हैं हम नाइन टू तो फाइव के बाद एक छोटे से घर में रह के अपना यू नो वी कैन हैव अ गुड डिनर एंड कुछ वो नहीं प्लस आई एम एक्टिवली मोबाइल इन टर्म्स ऑफ काम के मामले में देन यू मस्ट कम यर एंड सेकेंड काइंड ऑफ पर्सन हु शुड कम हुमेर इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग है नेचर में सो so दैट आप अपने कनेक्शन इन इंडिया पाकिस्तान दुबई वहाँ के रिसोर्स यहाँ से काम उठाओ वेंचर आउट करो इन दो कंट्रीज एंड ब्रिंग बैक द वैल्यू है ना आजकल एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आ, मुझे मालूम नहीं आपने एड देखी है किसिस्टेंट इज नाइन डॉलर फिलीपींस और इंडिया आ, में ये है सब हैं हाँ. hmm. तो दैट वन सिंपल कॉन्सेप्ट आप यहाँ से काम उठाओ आप छोटी छोटी चीजें एंड देन यू गो गेट ग्लोबल रिसोर्सिस गेट इट डन चीपर ब्रिंग बैक द वैल्यू एंड गेट योर सेल्फ मोर मनी मार्जिन बढ़ेगा आपका है ना yeah. या फिर आप मोर एंटरप्राइजिंग हो से आपको बिजनेस करना चाहते हो आप से इंडिविजुअल स्टेक होल्डर हो या फिर से यू नो प्रोफेशनल्स का बिजनेस है yeah. तो यू विल बी सक्सेसफुल सो अगर आप आके सिर्फ एक नौकरी करने का सोचोगे कि मैं नाइन टू फाइव जॉब करना चाहता हूँ yeah. और जीना चाहता हूँ देन यू विल बी इन फॉर अ सरप्राइज वो नहीं होने वाला अच्छा नहीं होने वाला एटलीस्ट अगर आपने सिर्फ नौकरी का ना तो यू आर बेटर ऑफ डूइंग नौकरी इन योर होम कंट्री देन हियर बट अगर आप एक नौकरी से हट के कुछ एक बड़ा अपना आसपास का जो आपका सर्कल है ना वर्क सर्कल बढ़ाना चाहते हो देन दिस कंट्री हैज अ लॉट टू ऑफर ओके सो इधर वही आना चाहिए जो बियॉन्ड नाइन टू फाइव एक जिंदगी बनाने की हिम्मत रखना चाहता है hmm. कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा दैट्स अ सेपरेट स्टोरी बट एटलीस्ट आपको ओपन रहना चाहिए या उनके लिए बेटर है अपॉर्चुनिटीज अब आप एक्चुअल तो में पैसा भी बना पाओगे आप एक्चुअल में एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी पाओगे और आपको फुलफिलमेंट की रियलाइजेशन होगी है ना क्योंकि नाइन टू फाइव वाले हरमीत आप जानते हो कि आज की डेट में रियल एस्टेट इतना महंगा है कि आप ढाई तीन लाख डॉलर की सैलरी जो लेस देन 1% है जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे आपकी वाइफ भी आपके साथ में है ना इफ नॉट हाफ उतने तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप एक अच्छा डिटैच घर जीटीए में तो नहीं ले पाएंगे हां नहीं कर GTA के बहुत ज्यादा दूर कहीं हाँ, ले लिया तो हाँ, फिर लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ गई क्वालिटी ऑफ लाइफ तो गई है ना तो फिर वही ना मतलब अगर आपको चाहिए वो लेवल जो आप सोच रहे हो दिमाग में 9 to 5 से नहीं हो पाएगा आपको 9 to 5 से आगे बढ़ना है

कि मेरे फ्रेंड्स सारे बिजनेस में मिलियन डॉलर कमा रहे हैं मेरी पाँच हज़ार डॉलर सैलरी है मेरी लाइफ सही चल रही है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही दो जॉब करनी है साइड हसल करना है मेरा अपना भाई छोटा है यहाँ पे है ना दिव्यांशु आप मिले नहीं उसे बट दिव्यांशु को मैंने बोला मैंने कहा यार तू मैं दरसा काम कर रहा हूँ ना तो वाई डोंट यू ज्वाइन मी मैं ये काम कर देता हूँ आई कैन इन्वेस्ट मैं तेरे को ये धंधा खोल देता हूँ एंड हिज सैलरी इज़ नॉट मच मतलब अभी उस वाले पैकेज पर नहीं पहुँचा वो इज जस्ट एन एंट्री लेवल कहता मुझे करना ही नहीं है जेनजी है ना कहता मुझे करना ही नहीं है आई एम हैप्पी कहता मैं हिज़ अ डिज़ाइनर सो कहता मैं डिज़ाइन में हूँ आई डू माई जॉब नाइन टू फाइव मैं एक दो प्रोजेक्ट्स उठा लेता हूँ यू वाई यू एस डिज़ाइन के आई एंजॉय माई लाइफ मैंने कहा तो तो था तो तू घर कब बनाएगा कहता बनाऊँगा क्यों वाई डू वी नीड इट कहता आज मैं डाउन टाउन में रह रहा हूँ अब ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्लैट एंड वॉन कहता मैं वॉन में भी नौकरी लगी वहाँ देखूंगा जब वहाँ से छूट जाएगी तो बर्लिंगटन चला जाऊँगा यहाँ से हो सकता है वैंकूवर चला जाऊँ जापान चला जाऊँ और कहता मैंने कहा जो तेरा पैसा हाउ डू यू सेव योर तो ही एट ट्वेंटी फोर सेज़ के आई विल इन्वेस्ट इन गोल्ड आई विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड एंड वट एवर सो दैट आई कैन पार्क माई फंड आई विल गेट आर ई एस पी फॉर माई किड् मैन है हेयर एंड पहले तो कहता आई डोंट इवन नीड टू गेट मैरिड आई डोंट नीड किड्स चलो जब भी होए hmm. तो उनके जो भी रिलेटेड वो हैं उनको करेंगे डिटैचमेंट पॉलिसी सो बेसिकली नाउ देर गेटिंग कल्चर ऑफ डिटैचमेंट एंड देर है टेक्निकली जो गोरे यहाँ पे करते थे है ना अगर आप देखोगे जैसे मैंने जैसे अपना वुडस्टॉक वाला घर लिया था जिस घर को लेने के लिए मेरे को इमिग्रेशन का बिजनेस करना पड़ा वो उस गोरे ने एज अ पोस्ट मास्टर कैनेडा पोस्ट के साथ करता था वुस्टॉक में वो बनाया मैंने उसे पूछा मैंने कहा वट है कुछ भी नहीं किया मैंने पूरी जी गया, मतलब क्योंकि जब उसे मिला ना तो मुझे ऐसा लगता स्ट्रेस में हूँ मेरे को इस घर की क्लोजिंग की ज्यादा टेंशन है।, है वो बेचने वाला घर बेच के पैसा बैंक में पार्क करके वो रिटायरमेंट होम में जा रहा था लाइफ में चिल था उसको भाई को कोई परेशानी नहीं थी लाइफ में तो चला यही क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है यही yes. चीज़ यहाँ के समझ आती है फॉर एग्ज़ाम्पल बेटर ह्यूमन बींग तो है ही बट मैं ये भी चीज़ ऐड करूँगा कि पीस ऑफ माइंड का क्या इम्पोर्टेंस है hmm. और मैंटल uh, हेल्थ का क्या इम्पॉर्टेंस है hmm. वो यहाँ आके फिर समझ आता है तो नाइन टू फाइव में अगर आप खुश हो ज़्यादा आपको हसल नहीं करना आप रिलैक्स करो uh, ज़्यादा अगर आपको पैसे के पीछे नहीं भागना और आपको कंटेंट रहना है और मेंटल पीस चाहिए टल uh, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है आपको नहीं लेना स्ट्रेस चिल मत बनाओ दो घर घर हाँ, एक में रह रह लो लो रेंट पे तो वो भी चीज एक यहाँ जाके होता है बिकॉज वो इंडिया में समझ नहीं आती इंडिया में अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर आपके ब्रदर वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में अगर वो बोलेगा नहीं समझेंगे लोग अब अब कर रहे हैं आरमी अब आप अगर आप छोटे बच्चों को देखो हाँ। ना वहाँ पे जो लोग Indian अब आ गया हाँ। yes, हाँ। कल्चर, कल्चर उनके अंदर का हम कनाडा में बैठे सीख नहीं पाए, के पास पहुंच गया, गया, well, नहीं है, हाँ। but, स्टार्ट हो गया। हाँ, जो जो अच्छी education के साथ बढ़ रहे हैं ना, उनको आज की डेट में मालूम है फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा होगी उनको मालूम है कि घर में अगर आप निकालोगे घर में सेविंग इक्विटी बना के आप कितना आगे से आगे इन्वेस्ट कर रहे हो ना इफ़ यू स्मार्ट तो आप करोगे अगर आप इक्विटी बनाते हो तो बट अगर आप एक घर को बना के पाँच मिलियन डॉलर घर पे बैठ जाओगे तो फिर दैट रेड इक्विटी में फिर बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू रीफाइनेंस इट यूज इट फर्दर टू रीप द बेनिफिट अदरवाइज इट्स डेड इक्विटी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी एंड मैं लिंक सारे साहिल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप कांटेक्ट करो कुछ hmm. भी क्वेश्चन हो एंड yeah. कमेंट्स uh, में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते कुछ हो बट आई एम श्योर दिस वाज हेल्पफुल बहुत सारी चीजें इनसाइड दी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू